देख रहे हैं TTN24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है झारखंड से, जहां सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से सब इंस्पेक्टर पवन कुमार की चोरी हुई बाइक को रिकवर करने गए पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी स्थित गायघाट में कल बाइक रिकवरी करने गए पुलिस पदाधिकारियों पर चाकू और लाठी डंडे से हमला किया गया था, जिससे सब इंस्पेक्टर पवन कुमार को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया था, जबकि अन्य 2 सब इंस्पेक्टर हमले में घायल हुए थे, जिनका इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। कल दिनांक 7/4/2022 को सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 2522 जो बाइक चोरी से संबंधित है, उसके अनुसंधान के क्रम में कुआनी राजेश कुमार यादव, कुआनी पवन कुमार और कुआनी सिकेश कुमार यादव एवं अन्य पुलिसकर्मी आदर्श कॉलोनी गया घाट के समीप छापामारी करने गए थे। छापामारी करने के क्रम में कुछ अपराधकर्मियों द्वारा उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसी घटना में अग्रतर अनुसंधान के क्रम में हम लोगों के द्वारा जो घटना में संलिप्त 5 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त जो चाकू था उसको भी बरामद कर लिया गया है। ये लोग और कुछ लोग गिरफ्तारी बाकी के सभी लोग गिरफ्तार हो नहीं, और इसमें शेष 2 लोग और बचे हुए हैं जिनका नाम प्राथमिकी में है, उसके अतिरिक्त जो अन्य अज्ञात है उनकी पहचान का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है, लोग मोटरसाइकिल चोर है? जी, इसमें से जो अभी बलराम तिवारी है वो 2 वर्ष पूर्व चास थाना से बाइक चोरी में पूर्व में भी जेल जा चुका है। और जितने आरोपी पकड़ाए हैं सर, उनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? उनका आपराधिक इतिहास अभी हम लोग खंगाल रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई रिकवरी भी हुई बाइक की इनके पास से? वो घटना में जो बाइक जो चोरी हुई थी मूलतः जो आपका सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 2522 से है, वो बाइक भी हम लोगों के द्वारा रिकवर कर लिया। जी, तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों में बने रहिए TTN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।